हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशु शुभम रोशन्स के व्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो हैप्पी दिवाली आप सभी को मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से। आज का व्लॉग यहीं से शुरू है, दिन भर हम लोग कुछ शूट नहीं कर पाए। मैं आपको दिखाती हूँ कौन क्या क्या कर रहा है। मैं तो जस्ट बना रही हूँ पूड़ी, सब्जी मेरी बन चुकी है, बज रहा है 6:30 और मुहूर्त ही है, पापा कर रहे हैं पूजा की तैयारी, फिर मैं होंगी रेडी। तो ये हो रही है तैयारी। हमारे यहाँ पाटा इतना बड़ा ही लगता है कि कुछ कुछ लोगों के यही ऐसा लगता होगा। आप लोगों के यहाँ पाटा कैसा लगता है ये बताइएगा। और हमारे घर में दिवाली की पूजा 1.5 घंटे की होती है ना पापा, 1.5 घंटे की पूजा होती है हमारे यहाँ दिवाली, पूरे 1.5-2 घंटे प्रॉपर लगते। दिए भी ये तो कम है, अभी और दिए जलेंगे और 5 फल। आप लोगों के यहाँ पे कैसा पाटा लगता है ये कमेंट सेक्शन में बताना, कितना सारा धुआं आ रहा है क्योंकि तेल जल रहा है। तो ये हो गई है पूजा की पूरी तैयारी। ये रहे मम्मी और ये ली मेरी लड्डू। मेरे लड्डू लहंगा पे नहीं आज। और मैं आपको अपना मेकअप का सामान दिखाऊंगी, कितने सामान मैं तैयार हूँ। मैं दिखाऊँ तो आपका फेस, लो मेरे को भी तो दिखा दो, मेरी छोटी छोटी दिखा दो। और ये रही मैं और ये रही हमारा मेकअप दिखाती हूँ क्योंकि हमारे घर में कुछ भी फैला पड़ा है ना। इसमें है फाउंडेशन है, कॉम्पैक्ट है, लिपस्टिक है और मस्कारा है। इससे हम तैयार हुए आज क्योंकि हमारा जो पार्लर है वो तो आपने देखा ही है, मैं और दिखाती हूँ। ये हमारा पार्लर की चीज है, हमारे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है। गण नक्षत्र पुष्प लेकर 16 माताओं को नमस्कार कीजिए। पाद्य अर्ध के लिए जल समर्पित कर दीजिए, आगमन करवा दे। गंध अक्षत पुष्प समर्पित कीजिए। धूप पुनः पर स्थित है, विपुल कटी तट वाली है, कमल नैना है, गंभीर गोलाकार नापी वाली है, जो स्तनों के भार से नमित है, जो स्वच्छ वस्त्र का उत्तरी धारण किए हैं, जो लक्ष्मी दिव्य रूप धारिणी है और जो नाना प्रकार के मणियों से युक्त मुंह में किया जाता है, इसलिए मुंह की तरफ चम्मच ले जाइए और नीचे डाल दीजिए। ताली बजा रही हूँ। सोना या चांदी का सिक्का लीजिए, इसे भगवती का प्रतिरूप मान लिया जाता है। ये जो पूजा हमारे यहाँ पे होती है, बोलो भाई, वन सेकंड बोल के उस पर मोली बांध दीजिए और लाल रोली से दवात पर स्वास्तिक का चिन्ह बना दीजिए। नीचे लिखे को बोलिए, ओम लेखनी से युक्त हे मसीह, तू चित्रगुप्त के सभी बही खातों में विद्वान है और उसकी बही के आशय को जानती है। तू सर्वदा मेरे पत्रों के लेख को सुंदर अक्षरों से युक्त बना, जो वेदांत की माया है, वही चंड मुंड नामक देवतों को विनाश करने वाली है। यह शक्ति संपूर्ण देवताओं से पूजित है और वही शक्ति हमको वर देने वाली है। श्री महाकालय नमः। राधे राधे राधे। बेटा बेटा बेटा, लड्डू चैनल नंबर लगा दो। बंद कर दो। पल्ला बार बार गिर रहा है, ठीक नहीं रहा है। इतने सारे दिए जलते हैं हमारे यहाँ। आप ब्रह्म रूप हो, आप अंधकार का निवारण करने वाले हो, आप मेरे द्वारा की गई इस पूजा को ग्रहण करें तथा तेज की वृद्धि करें। ओम दीपक को नमस्कार करें। रोली बोलना भी चाहिए कुछ, एक उधर भी रखना पीछे, उधर उधर भी रखते हैं अपन हर बार। तो गाइस अच्छी बनाई मैंने मैंने
मुझे रंगोली बनाना नहीं आता तो भी मैंने इधर शुभ दीपावली उसमें रंग मैंने भरे थे, उसमें रंग मैंने भरे थे। तो हमारे यहाँ की पूजा अब कंप्लीट हुई है पूरे एक घंटे में। मम्मी कैसे होती है अपने यहाँ की पूजा? हमारे यहाँ पे पूजा मतलब पूरी एक डेढ़ घंटे की होती है। उसमें गणेश जी की पूजा होती है, सरस्वती माता की पूजा होती है, कुबेर की पूजा होती है और काली की पूजा होती है, लक्ष्मी माता की पूजा होती है, वरुण देव की पूजा होती है, तेजसी पूजा होती है। ये बुक है, इसमें सारी पूजा की विधि है। हम लोग एक एक मंत्र उसमें से मतलब पढ़ के बोल के और फिर करते हैं पूजा। और ये पूजा करीबन हम 10-15 साल हो गए जब से हम ऐसे ही करते हैं। और हमारे यहाँ पाटा भी इतना बड़ा लगता है, मतलब पूजा तो पूरी हो, पाटा तैयार होने में ही कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगता है। एक घंटा पाटा रेडी होने में, क्योंकि कोई भी चीज मिस नहीं कर सकते हैं। और ये वाली पूजा ये बहुत शिद्दत से करते हैं। पापा बहुत मन लगा के करते हैं। और इसको देख सकते हो आप, ये कंटिन्यू मेरा कड़ा खाने में लगी हुई है। अब इसको फुलझड़ी देना नहीं आ जला के लड्डू कर ले मेरी लड्डू ने लेगा बिना। तो यहाँ पे हमारी प्यारी सी लक्ष्मी जी के पैर हम अपने उधर आंगन में छापेंगे। लड्डू हमारी लक्ष्मी माता बाइक का एंड हमारी लक्ष्मी माता होगा। उसकी कपड़े गंदे नहीं हो जाए? चश्मा तेरे और छोटा तो ये रहे हमारी लक्ष्मी जी के पैर चूते चूते से। और ये रहे घर में बैठी होने का कितना बोल रहता है ना तो फाइनली दिवाली की पूजा कंप्लीट हो गई। आरती वारती सब कुछ हो चुकी है। आने दो, आने दो, उसको पैर पड़ गया। आने दो लड्डो, ताली बजा दो। ताली कितने से ताली बजाना सीख गई बाज। सीधे पढ़ लो ना, भागी भागी और बाबा कुछ नहीं गिरे नहीं है, वो है डर गई बस। मैं चिल्लाई तो डर गई, मेरा बेटा चलो बोलो, तुम भी पेट भर लो। बेतू बोलो बोलो जाओ बोलो। वो अटका नहीं ले रे, गोलू को पढ़ लेने पैर बंद कर दो ना, बंद कर दो, बंद कर दिया गोलू तो पढ़ ले पैर। हाँ मतलब फिर से स्टार्ट कर रहे, ठीक से झुक के अच्छे से पढ़। बोल लक्ष्मी माता मुझे थोड़ा सा दिमाग दे, सद्बुद्धि दे, मेरे मेरे हाथ पे पैसे नहीं रुकते। लक्ष्मी माता रुको मेरे पास। इसको देखो, इसको मेरी छोन परी को छन चिड़िया ओपाई ओपाई पाई ओपाई पाई ओपाई पाई। मैंने गाने पे पीयू के साथ वीडियो बनाई कि फूलों और बहारों से हम डोली तेल से जाके सभी रोने लगे मेरी वजह से। अरे पर मेरे हिस्सा नहीं था यार, तो बहुत छोटी है वो मनीषा। हाँ पर मेरे को रोना आ गया गाना सुन के। तुम भी तो रहने लगे
भैया बेटी के लिए बहुत बड़ा जिगरा रखना पड़ता है। नहीं मम्मी हिंदू वाली भी तू को कितना दिमाग खराब हो गया। मैं भी रोऊंगी, मैं भी रोऊंगी। रोने लग गया और बेटा रोने लग गया। और ना 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 बेटा बेटा अच्छो अच्छो माही और हम कभी अकेले में बात करते ना कि माही लड्डू की शादी हो जाएगी, लड्डू बड़ी हो जाएगी, तो जब भी ये वाली बात करूंगी ना तो ये जरूर रोते हैं। चाहे कितनी भी रात को हम ये वाली बात करते ना मम्मी कि जब लड्डू बड़ी हो जाएगी माही तो अपन लड्डू की शादी करके उस चली जाएगी जैसे मैं आ गई, तो रोने लग जाते। मैं आज भी कोई विदाई का गाना है किसी की विदाई के मतलब वीडियो भी देख नहीं पाती हूँ तो मेरी मम्मी यही बोलती है कि अच्छा रहा तेरे यहाँ लड़की नहीं, अगर तेरी लड़की होती तो पता नहीं क्या करती। पर आ गई वो पर अब आ गई और अब भी इसे हमारा रोना चालू जाता है ऐसे गाने पे। ये लोग जस्ट वीडियो ही बना रहे थे, मेरे को रोना आ गया और मैं नहीं बना रही थी इन लोगों की वीडियो, पर मैं वीडियो बनाते बनाते रोने लग गई और पर साइड में चली गई थी, पर इन्होंने देख लिया। पर इस बार हमारे मतलब छोटा बच्चा लड़की होने से मतलब बहुत रौनक आ जाती है और इस बार त्योहार बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो ये बड़ी थी सही, ये तो छमछम करती थी, पर वो छोटी तोड़ जाए छमछम तो लहंगा ही पहनाया। छम्मो 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 रानी छम्मो रानी देखो ये चीज छम्मचम केश की नानी ने दी थी इसको। नानी वाली है तो नानी वाली नानी वाली मैं पिला रहा हूं। ऐसा आप लोगों के साथ भी होता होगा ना, जिनकी बेटियां होंगी उनको आता होगा ना रोना। कौन सा गाना है मम्मी? फूलों और बहारों से हम डोली तेरी सजाएंगे। और मम्मी इसके सिर पे ऐसे रख रही थी तो मेरे को रोना ही आ गया। फिर वो वीडियो मम्मी के इंस्टाग्राम पे आप देखना, पोस्ट करूंगी। कितनी प्यारी लग रही है। पागलपन करना पड़ता है। मत करार कर दे यार बेटा। जय 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 धीरे धीरे आज ही, और पता आज ही हुआ इसका, आज ही इसने ताली बजाना सीखा है। जय 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 जी सीखा है। पलंग से उतरना भी सीख गए तुम। ये देखो ये देखो ऐसे मम्मी ऐसे पलंग करके इसका है। मैं नहीं करूंगी पल्ला वल्ला है ना बेटा। हाँ बेटा मैं मेरे तेरे लिए भी मेरे जैसा कर दूंगी। पहले बोल देंगे ऐसा होता नहीं है। शादी करना तो ठीक नहीं जा
बड़े अक्षरों में लिखवाया है, चलो बाकी बाकी और पीछे लिखवाया है वाइफ्स गिफ्ट, लिखवाना ही पड़ेगा। फाइनली सब कुछ हो गया, गाड़ियों की पूजा वगैरह सब। हम लोग दिन भर का तो कुछ भी नहीं ले पाए, बट जितना हो पाया दिवाली का उतना शूट कर पाए, क्योंकि हमारी दिवाली दिवाली जैसी नहीं है, नॉर्मल जैसी होनी चाहिए। तेरा खाना मम्मी। हाँ। आज मैंने बहुत टाइम बाद है ना वो पनीर की सब्जी बनाई थी, तो मम्मी बोली, क्या बोली मम्मी? बोली कि पालक पनीर की सब्जी, ये बोलती मम्मी आप ही बनाओ, अच्छे बनाते हो, पर आज तो मेरी सब्जी भी कहीं नहीं लगेगी, इतनी प्यारी सब्जी बनाई, बहुत टेस्टी। पर मुझे इनके हाथ की अच्छी लगती है, पर मैं खाती नहीं हूँ। हाँ, पर मुझे तेरे हाथ की हर सब्जी अच्छी लगती है, सब्जी अच्छी लगती है। हमारे चूल्हा कैसा लग रहा बताना जरूर। हमारा चूल्हा तो अब खाना खाने बैठ रहे, लड्डू सो चुकी है। काजलिया नहीं बैठ रहे फिर तुम? हैप्पी दिवाली आका। अरे हैप्पी दिवाली। तो बस हो गया है सब कुछ, अब मैं जा रही हूँ फटाके फोड़ने। ब्राम ब्रूम ब्राम ब्रूम ब्राम में जा रही।